नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फूल वाली अवस्था में हमें कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे उनकी सोयाबीन की फसल में फूलों का अच्छी तरह विकास नहीं हो पाता है और उनको अच्छा उत्पादन सोयाबीन से नहीं मिल पाता है। तो आपको इस अवस्था में कुछ बातों का और कुछ गलतियों का ध्यान रखना होता है जिससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस वीडियो में बताई हुई जानकारी समझ में आ सके और वीडियो को लाइक भी करें। जो किसान हमारे चैनल पर पहली बार आए वो नीचे दिए हुए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसान भाइयों, सोयाबीन से अच्छी पैदावार लेने के लिए फूल वाली अवस्था में हमें मुख्य रूप से तीन गलतियां नहीं करना चाहिए। अगर हम ये गलतियां नहीं करते हैं तो जो हमारे सोयाबीन के फसल में फूल आते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, फूलों का अच्छी तरह विकास होता है और हमारे सोयाबीन की फसल से हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों, अधिकतर किसान यह गलतियाँ कर देते हैं और उनको अच्छा रिजल्ट सोयाबीन से नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, बात करें उन गलतियों की, तो सबसे बड़ी गलती अधिकतर हमारे किसान करते हैं कि सोयाबीन की फसल में फूल वाली अवस्था में खरपतवार नाशी दवा का उपयोग करते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, अधिकतर किसान उसमें खरपतवार नाशी दवा का उपयोग कर देते हैं फूल आते समय। उससे क्या होता है कि जो हमारे फूल होते हैं उनका विकास रुक जाता है और हमारे फूल अच्छी तरह विकसित भी नहीं हो पाते हैं। तो इसके प्रयोग से हमारे सोयाबीन को झटका लग जाता है, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है और हमारा उत्पादन गिर जाता है। तो किसान भाइयों, हो सके तब तक आप सोयाबीन की फसल में 20 से 25 दिनों तक ही खरपतवार नाशी दवा का उपयोग करें, बाद में फूल वाली स्टेज में आप ना करें, जिससे कि आपकी फसल में फूलों का अच्छी तरह विकास हो और आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। दूसरी गलती की बात करें किसान भाइयों, तो सोयाबीन की फसल में इल्लियों का नियंत्रण। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता होगा कि सोयाबीन में इल्लियों की रोकथाम के लिए बहुत से दवाएं बाज़ार में आपको मिल जाती है, लेकिन फूल वाली स्टेज से पहले आपको सोयाबीन की फसल में अगर इल्ली लग जाती है तो उसका निवारण कर लेना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई उसका निवारण नहीं करते, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी फूल वाली स्टेज में अगर इल्लियाँ लग जाती हैं तो वो हमारी फसल को लगातार खराब करती हैं, जिससे हमारी फूलों की संख्या में गिरावट आती है और हमारे सोयाबीन की पैदावार में भी हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में इल्लियाँ लग रही हैं तो आप उनका तुरंत रोकथाम करें, उनका तुरंत निवारण करें, जिससे कि हमारी फसल पर कोई असर ना पड़े और हमारी फसल अच्छी ग्रो करे और हमें अच्छा उत्पादन सोयाबीन से मिले। तीसरी मुख्य गलती अधिकतर किसान यह करते हैं कि सोयाबीन की फसल में सही खाद का चयन करना। जी हाँ किसान भाइयों, सोयाबीन की फूल वाली स्टेज में बहुत सारे किसान भाई खाद का चयन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी सोयाबीन की फसल में फूलों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। किसान भाइयों, इस समय बहुत से किसान टोनिक का प्रयोग करते हैं, टोनिक का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन जो टोनिक का खर्च होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि नॉर्मल किसान उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से आपको सोयाबीन की फसल में फूल वाली स्टेज में टोनिक के बजाय आप NPK के 0050 19 19 19 0524 इन तीनों वाटर सोल्यूबल खाद का स्प्रे करें। इनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा माना गया है। किसान भाइयों, इन तीनों में जैसे कि NPK का 19 19 19 0050 और 0534 इनकी प्राइस 100 रुपये से 200 रुपये प्रति एकड़ की मानी गई है और इनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो किसान भाइयों, इस समय आप टोनिक के बजाय इन खादों का प्रयोग करें, जो कि पानी में घुलनशील होते हैं और इनका स्प्रे किया जाता है, जिससे कि हमारी फूलों का अच्छी तरह विकास हो और हमारी फसल अच्छी तरह ग्रो करे और हमारे उत्पादन में अच्छा पैदावार देखने को मिले। तो किसान भाइयों, पहली गलती आपको यह नहीं करना है कि सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग, दूसरी गलती आपको इल्ली का नियंत्रण करना है और तीसरी गलती आपको सही खाद का चयन करना है। तो ये तीन प्रमुख गलतियां और तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको निश्चित ही सोयाबीन की फसल में अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।